हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप कक्षा दसवीं में हैं या नाइन्थ में हैं या आठ में हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। आइए, मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ पॉलीनोमियल्स, यानी कि बहुपद। बहुपद बहुपद जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे पॉलीनोमियल्स, पॉलीनोमियल्स बहुपद, पॉलीनोमियल्स। नोमियल्स स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। देखिए, बहुपद, बहुपद में हम करेंगे क्या, जैसे मान लीजिए कोई भी बहुपद है, x माइनस टू का हमें से डिवाइड करना है हमें इट एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस सिक्स। मान लीजिए ये हमारा सवाल है, तो इसमें सबसे पहले हमें इस पद से इसमें डिवाइड करना है। हमारा उद्देश्य है पहला पद आना, क्या आना, पहला पद आना एट एक्स स्क्वायर। तो एट एक्स स्क्वायर कैसे आएगा हमारा, यदि हम यहाँ पे एट एक्स से गुणा कर दे तो एट एक्स स्क्वायर आएगा। एट एक्स स्क्वायर कैसे आया, यदि आपको ये समझ नहीं आया कैसे आया तो देखिए, जब हम एट एक्स स्क्वायर में भाग देते हैं एक्स से, तो एक एक्स से एक एक्स कट जाता है, तो यहाँ पे एक्स बचेगा। एक्स स्क्वायर का मतलब दो एक्स, मतलब एक्स की घात दो, मतलब ऐसे एक्स इंटू एक्स दो बार है, तो एक बार कट गया एक्स से, तो यहाँ पे एट एक्स बचा। क्या बचा दोस्तों, एट एक्स। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एट एक्स, यहाँ पे एट एक्स लिख दिया, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इसके बाद प्लस यहाँ पे है, कुछ नहीं है, मतलब प्लस, तो प्लस का माइनस करेंगे तो माइनस, आठ दूनी सोलह, तो यहाँ पे सोलह एक्स आ जाएगा। इसके बाद हम निशान चेंज कर देंगे, यदि प्लस का है तो माइनस का और माइनस का है तब प्लस का, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का 16 और प्लस का 2, प्लस का 18 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 18x माइनस सिक्स। अब क्या होगा, यहाँ पे हमें 18x लाना है, यहाँ पे हमारे पास x पहले से मौजूद है। यदि हम यहाँ पे प्लस का 18 लिख दे, यदि हम यहाँ पे प्लस का 18 लिख दे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 18x आ जाएगा। कैसे दोस्तों, थोड़ा दिमाग लगाइए, यहाँ पे x पहले से जब हम गुणा करके यहाँ का पद लाने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे हम 18 लिख देंगे तो 18 करेंगे तो 18x आ जाएगा। यदि फिर भी समझ नहीं आया हो तो देखिए, हमने इस पद में 18x में x का भाग दिया, तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा हमारा 18, ये वाला यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो अब 18 प्लस का माइनस में करेंगे तब माइनस ही आएगा, और 18 दूनी 36, निशान चेंज कर देंगे, अब एक कैंसिल आउट हो जाएगा प्लस माइनस, यहाँ पे क्या बचेगा, 36 में से 6 को हटा देंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 30, तो सी 30 रिमाइंडर हो जाएगा, इसका शेष हो जाएगा और भागफल हो जाएगा हमारा क्या, ये वाला ऊपर वाला एट एक्स प्लस हमारा भागफल हो जाएगा। और दोस्तों, यदि आपको फिर भी समझ नहीं आया हो, यदि आपको वीडियो लेक्चर से सवाल समझ में नहीं आया हो, आप नहीं समझ पा रहे हो, तो आप कमेंट्स कीजिए, मैं आपके लिए फिर से समझा दूंगा अगले वीडियो लेक्चर में आपको इसका। यदि आपको फिर भी इतने अच्छे से समझाने के बाद भी समझ नहीं आया है, तो आपको इसका बेसिक करने की सख्त जरूरत है दोस्तों। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, धन्यवाद।